नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल जियो वी न्यूज में। दोस्तों हाल फिलहाल की खबरों में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, तो दोस्तों आइए उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब भारत में बनेगी 6 सबमरीन, नौसेना की बढ़ेगी ताकत। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बताएंगे, दोस्तों सावधान हो जाइए, भीम पेटीएम और गूगल पे नहीं रह गया है सुरक्षित, इस तरीके से हो रही है ठगी। जी हाँ दोस्तों, सारी प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बताएंगे कि जीएसटी परिषद की बैठक में ई वाहनों पर कर घटाने का हो सकता है फैसला। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बताएंगे, चमकी बुखार से बिहार में अब तक 154 बच्चों की मौत हो गई है, जिसमें से सिर्फ मुजफ्फरपुर में 120 बच्चों की मौत हो गई है, डीएम ने सभी अधिकारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बताएंगे, भारत सरकार ने पाकिस्तान को लगाया डांट, कहा आपकी मीडिया फेक न्यूज फैला रही है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बताएंगे, महाराष्ट्र में अलग हो रही है बीजेपी और शिवसेना की राह, विधानसभा चुनाव आ सकते हैं आड़े। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बताएंगे, पाकिस्तान चीन की ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है भारत, सीमा पर तैनात किए जा रहे हैं आईबीजी। जी हाँ दोस्तों, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम आपको बताएंगे, राष्ट्रपति के अभिभाषण में कांग्रेस का नो इंटरेस्ट, पहले राहुल गांधी देख रहे मोबाइल, अब कांग्रेस ने निकाली कमी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बताएंगे, अमेरिकी ड्रोन मार गिराने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़के, कहा ईरान बहुत गलती कर चुका है। जी हाँ दोस्तों खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी खबर हम आप तक हमेशा पहुंचा सके, और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जीएसटी परिषद की बैठक में ई वाहनों पर कर घटाने का हो सकता है फैसला। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की पहली बैठक हो गई है। इस बैठक में अन्य मुद्दों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जीएसटी दर को 12% से घटा करके 5% करने और राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण को 1 साल का विस्तार देने पर विचार किया जा सकता है। जीएसटी परिषद की यह 35वीं बैठक है। निर्मला सीतारमण की अगुवाई में यह पहली बार होने वाली परिषद की इस बैठक में एकल बिंदु रिफंड प्रणाली और ई चालान जारी करने के लिए कंपनियों के लिए यह प्रणाली की जा रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा बैठक में 50 करोड़ से अधिक रुपए के कारोबारी वाली बिजनेस टू बिजनेस इकाइयों को बिक्री के लिए ई इनवॉइस जारी करने के लिए कहने पर विचार किया जा सकता है। राज्यों को सभी सिनेमा घरों में ई टिकटिंग की आवश्यकताओं को पूरी तरीके से निर्णय किया जा सकता है। परिषद लॉटरी पर जीएसटी दर में बदलाव पर भी विचार करेगी। अभी राज्य द्वारा चलाई जाने वाली लॉटरी पर 12% और राज्य प्राधिकृत लॉटरी पर 28% जीएसटी लगता है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बता दें कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला, अब भारत में बनेगी 6 सबमरीन, नौसेना की बढ़ेगी ताकत। जी हाँ दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद भारतीय नौसेना के लगातार कमजोर होते सबमरीन बेड़े के लिए एक अच्छी खबर आई है। सरकार ने 6 सबमरीन के लिए भारत के निर्माण में प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए प्रोजेक्ट के लिए भारतीय निर्माण तय करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इस प्रोजेक्ट में कोई विदेशी कंपनी किसी भारतीय शिपयार्ड के साथ मिलकर के 6 डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन बनाएगी, जिसकी लागत लगभग 4500 करोड़ रुपए होगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत यह दूसरा सबसे बड़ा रक्षा समझौता होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 75A के तहत बनने वाले 6 सबमरीन डीजल इलेक्ट्रॉनिक यानी परंपरागत होगी, लेकिन इसमें से ऑल इंडिपेंडेंट प्रोपुल्सन यानी AIP सहित कई आधुनिक उपकरण और तकनीकें होंगे। AIP में कोई डीजल इलेक्ट्रॉनिक सबमरीन लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती है, जिसका उसका सुराग मिलने की आशंका बहुत ही कम होती है। आपको बता दें कि भारत ने 1997 से 24 नए सबमरीन बनाने की योजना बनाई है, जिसमें से प्रोजेक्ट 75 का नाम दिया गया था। बाद में यह 2 हिस्सों में बंटकर के दूसरा नाम प्रोजेक्ट 75A हो गया और परंपरागत और न्यूक्लियर दोनों तरीके से सबमरीन शामिल है इसमें। और प्रोजेक्ट 75 के तहत फ्रांस की तकनीकी पर मधगांव डॉक लिमिटेड के कलवरी क्लास की 6 सबमरीन यह अभी काम चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि भारत सरकार ने पाकिस्तान को लगा दिया है डांट, कहा अपनी मीडिया फेक न्यूज फैला रही है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को भारत से बातचीत के मामले पर फेक न्यूज चलाने की वजह से एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ गई है। भारत की ओर से लगातार पाकिस्तान को कड़े जवाब के दौर की यह एक और कड़ी है। भारत ने फिर से यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद पर कड़े कदम उठाने के बिना पाकिस्तान से किसी तरीके की बातचीत नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया लगातार ऐसी खबर चला रही है कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत के लिए अब राजी है, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने इस बात का खंडन करते हुए कहा है कि हमारी पोजीशन में कोई अभी बदलाव नहीं हुआ है। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि हमने यानी भारत ने
तब लोकतांत्रिक प्रोटोकॉल के तहत केवल एक पत्र पाकिस्तान को लिखा था। ऐसा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बधाई संदेश के जवाब में दिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी पत्र लिखा गया था। ऐसे ही एक जवाब हमारे विदेश मंत्रालय में भी अपनी पाकिस्तानी समकक्ष पे बातचीत के लिए जवाब देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अलग हो जाएगी बीजेपी और शिवसेना की राह, विधानसभा आ सकता है आड़े। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल शिवसेना ने कहा है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री उसकी पार्टी से ही होगा। पार्टी ने अपने मुख्य पत्र में यानी सामना में ऐसे समय में यह बात कही है जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहाँ शिवसेना के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पार्टी ने कहा है कि यह सही नहीं है कि राज्य में उनका भाजपा के साथ गठबंधन है, पर उनका एक स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व भी है। मुख्य पत्र में कहा गया है कि पार्टी दृढ़ प्रगति है, अगली विधानसभा में भगवा रंग से रंग जाए और अगले साल होने वाला 54वें स्थापना दिवस पर उसे अपने मंच पर पार्टी का मुख्यमंत्री के लिए बधाई दे। शिवसेना के इस बयान पर गौर करने की बात जरूरी है क्योंकि राज्य में अभी बीजेपी के कोटे में मुख्यमंत्री है और शिवसेना दावा कर रही है कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री उसकी पार्टी से होगा। शिवसेना ने बयान में कहा है कि स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व वाली बात दोनों पार्टियों में आने वाले समय के संबंधों को लेकर के खड़ा हो सकता है सवाल, लेकिन आखिरी विधानसभा में बीजेपी और शिवसेना की राह अलग अलग हो जाएगी क्योंकि यहां तक महत्वाकांक्षाओं और राजनीतिक अस्तित्व की बात है तो दोनों ही पार्टियों के बीच लोकसभा चुनाव में पहले इन्हीं दोनों का मनमुटाव देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बता दें कि पाकिस्तान चीन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार हो गया है भारत। सीमा पर सेना तैयार किए जा रही है, आईबीजी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान की सटे सीमा पर भारतीय सेना एकीकृत युद्ध समूह की तैनाती की जा रही है जो जंग की स्थिति को त्वरित हमला करने के लिए मदद मिलेगी। पाकिस्तान की सीमा पर इसे तैनात करने के बाद से चीन से सटे सीमा पर भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके के एक पाकिस्तान और चीन दोनों देशों के सटी सीमा पर भारतीय सेना की ताकत और बढ़ जाएगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि आईबीजी का लक्ष्य सेना के विभिन्न प्रभागों को एक नए समूह में शामिल करना है। इसमें से तोप, टैंक, वायु रक्षा और साजो सामान शामिल होंगे। इसे जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार करने के लिए संभावनाएं बनाई गई है। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब तीनों सैन्य बलों के बीच बेहतर समन्वय के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कांग्रेस का नो इंटरेस्ट। पहले राहुल गांधी देखते रहे मोबाइल, अब कांग्रेस ने निकाली कमी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बाद से कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का उल्लेख इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि यह एक राजनीतिक दलों में अभी कोई सहमति नहीं बनी है। पार्टी ने नरेंद्र मोदी सरकार का कटाक्ष करते हुए कहा है कि उम्मीद की जा रही है कि पिछले 5 वर्षों में वादे को पूरा करने में विफल रही सरकार अब नए कार्यकाल में वादों को पूरा करती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नंद शर्मा ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि अभिभाषण में एक राष्ट्र एक चुनाव का उल्लेख किया गया है, यह नहीं होना चाहिए, यह समय पूर्व है, इस पर राजनीतिक दलों के सहमति भी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि संविधान से जुड़ा यह विषय है और कांग्रेस एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए विरोध करती है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि आज समय की मांग है कि एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लाई जाए जिसमें से देश का विश्वास पूरी तरीके से तेज हो सके और देशवासी लाभान्वित हो, लेकिन व्यवस्था होने पर सभी राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के अनुरूप विकास और जन कल्याण के कार्यों में अपनी ऊर्जा के और उपयोग कर पाएंगे। अतः मैं सभी सांसदों का आह्वान करता हूं कि वे एक राष्ट्र एक चुनाव के विकास पर अपना प्रस्ताव पर गंभीरता पूर्वक विचार करें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी विषय पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक दलों के प्रमुखों को एक बैठक बुलाई थी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बता दें कि अमेरिकी ड्रोन मार गिराने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़के, कहा ईरान बहुत बड़ी गलती कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान द्वारा अपनी ड्रोन मार गिराए जाने पर बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान बहुत बड़ी गलती कर चुका है। ईरान के सशस्त्र बल रिवोल्यूशनरी गार्ड ने बृहस्पतिवार को दावा किया था कि उसमें हरजूम जलसंधि के पास अपने हवाई क्षेत्र में एक अमेरिकी जासूस विमान को मार गिराया है। सामरिक महत्व के इस समुद्री मार्ग में तनाव बढ़ने के लिए यह ताजा घटना है। आपको बता दें कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने पेंटागन में बातचीत करके यह पुष्टि की है कि ईरानी सैन्य बलों ने अमेरिकी नौसेना के एक निगरानी ड्रोन को मार गिराया है और साथ ही यह भी कहा है कि यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में था और न कि ईरान के क्षेत्र में था।
जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी मध्य कमान के प्रवक्ता और नौसेना कैप्टन विल अर्बल ने एक बयान में कहा है कि VSS ड्रोन को एक ईरानी मिसाइल ने उस वक्त मार गिराया जब हुर्जुम जलसंधि के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में था। उन्होंने कहा है कि विमान के ईरान के हवाई क्षेत्र में होने की ईरानी रिपोर्ट एकदम बिल्कुल झूठी है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर हम आपको बता दें कि दोस्तों सावधान हो जाइए, नहीं भीम ऐप और न ही पेटीएम और न ही गूगल पे सुरक्षित रह गया है। इस तरीके से सेंधमारी के लिए हो रही है ठगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक जो जालसाज क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिए लोगों को चूना लगा रहे थे, लेकिन सबसे सुरक्षित ऐप कहे जाने वाले भीम पेटीएम और गूगल पे भी सेंधमारी हो रही है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में साइबर सेल की पिछले 5 महीने से इस तरीके के 12 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। इन जलसाधों के खिलाफ लाखों रुपए की हाथ साफ कर लिए हैं। आपको बता दें कि आखिर यह सेंधमारी कैसे करते हैं। साइबर क्राइम में SP सुनील धुले ने बताया कि जलसाध पहले शिकार से उनके मोबाइल फोन पर एक ऐप डाउनलोड कराते हैं। इसके जरिए गिरोह अकाउंट को लिंक कराने के लिए स्टेप वाइज स्टेप पेमेंट के लिए प्रोसेस तक पूरी तरीके से करवाता है। इसके बाद बड़ी चालाकी से अपनी जो UPSC ID को पैकेट का जो कूपन बताता है मोबाइल को सेव करा देता है। इसके बाद पैसा ट्रांसफर को कहता है। जैसे ही पैसा ट्रांसफर हुआ व्यक्ति ठगी का पूरी तरीके से शिकार हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुनील धुले के मुताबिक सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल करने वाले ग्राहक इस ठगी का ज्यादा शिकार हो रहे हैं। इस मामले में बैंक भी ग्राहक की मदद नहीं कर सकता है। उन्होंने बताया है कि नाइजीरिया का गिरोह इसमें शामिल है। वह लोगों के फेसबुक अकाउंट के शिकार को तलाशता है और उन्होंने बताया है कि पिछले दिनों UPATS ने ऐसे ही एक गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए एक सदस्य को अरेस्ट किया है। गिरोह में लखनऊ के KGU की एक महिला प्रोफेसर ने 1 करोड़ रुपए से अधिक की रकम ठग ली थी।